तो नमस्कार भैया, स्वागत है आर एस 24/7 के विशेष चुनावी कार्यक्रम का, कह रही जनता में। और हमारी साइकिल पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा सीट के खजुराहो में। आप देख सकते हो कि खजुराहो में इस टाइम पे हम मौजूद हैं और जान भी जनता से कि खजुराहो की तासीर का है, का की को माहौल लग रही इबारत है। इतने से बी डी शर्मा बीजेपी से प्रत्याशी है और इंडी गठबंधन से बात करी जाए तो मीरा दीपनारायण यादव का टिकट मिली थी, लेकिन नामांकन उनको निरस्त हो गया है कछु कारण से, जी की वजह से। इतने बी डी शर्मा का मिला के कुल 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो चलो खजुराहो की जनता से पूछ रहा है कि आखिर की को माहौल है इस बार चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में। इतने से को पहुंचे दिल्ली की संसद, इन्हीं मुद्दन पे पूछ रहे हैं। तो चलो कर रहा सवाल जवाब। तो चलो भैया, जान रहे थे कि जनता से का माहौल लग रहा हो। भैया 2024 के चुनाव को शंखनाद हो गया है, कहा लग रहा हो खजुराहो का माहौल, पक्ष बन रहा हो? लगभग बीजेपी के पक्ष लग रहा है। आखिर कहा लग रहा हो बीजेपी के पक्ष में? इसलिए लग रहा है क्योंकि सब कोई हर कोई उसमें हर योजना में लाभ भी दे रहा है, सब कुछ भी दे रहा है, इसलिए हर इंसान बोल रहा है कि बीजेपी जीतेगी। अच्छा, तो जैसे कांग्रेस को गठबंधन होते होते समाजवादी पार्टी के खाते में सीट गई थी, कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारो, तो अपनो मीरा यादव खाते से प्रत्याशी बना होगा तो उनको नामांकन रद्द होगा कुछ कारण से, वो सिग्नेचर साइन नहीं है। अगर मान लो कांग्रेस को प्रत्याशी हो तो सपा को प्रत्याशी हो तो क्या फाइट मिलती बी डी शर्मा खाते से? अब इतना जानकारी नहीं है, देखो भाई साहब राजनीति में पढ़ दे नहीं है कि जो पता है कि मोदी जी बन रहे हैं, वैसे तो पता है। हाँ, मोदी क्योंकि सब कोई मोदी जी खाना चाहता, मोदी जी का आने इसे को काम किए हैं इतने अच्छे ना, उनने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास। तो कौन कौन सा विकास कर रहा है उनने? रोड बनवाए, जनता को गल्ला दे रहे, किसान नोह दे रहे, लालजी बहना दे रहे, सब कुछ किया उनने। आपको क्या लग रहा था की को माहौल बन रहा है बार को? हमें कहा पता की को वाला की को नहीं मिल रहा। आप देश में नहीं, रात का विदेश में रात का तो माहौल नहीं है पता, चैनल नहीं देखा, पेपर नहीं पढ़ा था। आप जी की से कहा है वही बोल रहा हूँ। ऐसे कैसे वोट आप दे रहा है सरकार जी की, कैसे सरकार थोड़ी बन जाए, वोट तो आप दे रहे हैं। वोट तो दे रहे सरकार, मेरा फिर भी माहौल कर चार समाज में उठा बैठा था, यू का हालात का चर्चा होती है? चर्चा तो ये तो हाथी को दिखा रहा था, हाथी दिख रहा बार। अरे हाथी मतलब हाथी दम से दौड़ लेते हैं भैया, कहा लग रहा है की को माहौल है? माहौल तो वैसे तो बीजेपी का है, बीजेपी को कहा है माहौल है, कहा लग रहा हो? नहीं तो वो विकास कर रहा है भाई, तभी तो उसका माहौल है। कहा विकास कर रहा है बीजेपी ने, बातों बताओ भैया हमें। तो विकास ही विकास है, सड़कों से लेकर पानी से लेकर और आम जनता के लिए बहुत सी सुविधाएं, राशन भी फ्री दे रहे वो है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाए तो 1 लाख रुपया एक महिला के खाते में, एक परिवार खत्म आ जाए 1 लाख रुपया। जब आए जब तो दे है, जब आई ना तो कहाँ से देना है? लाहे को आप और युवा लाओ, बे युवा राहुल गांधी युवा, आप युवा तो युवा बे है, लेकिन जो विकास करे वोट तो हम वही दे। अच्छा मतलब की 10 साल के मोदी के काम ने विकास की धारा बहा दी, उसे आप कह रहे कहते मोदी फिर से आए, फिर से प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जो 60 साल गांधी परिवार ने राज करो देश पे, तो कहा विकास नहीं कर पाई? कहा वो पहले का विकास में, अब के विकास में अंतर नहीं है क्या? पहले कैसा था 70 साल पहले विकास यहाँ का, अब कैसा है? अंतर बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब बी डी शर्मा आ रही बात। आप देखिए सड़कों का, देखिए पहले हाल कैसा था इसे यहाँ पर। हाँ। आप देखो सड़क कहीं भी चले जाओ, सड़क गांव में भी चले जाओ तो गांव में भी पक्की सड़कें मिलेंगी। अगर बी डी शर्मा फिर से आ रहा है दोबारा वापसी कर रहे थे ऐसे? अच्छा जो बता बी डी शर्मा कहते व्यक्तिगत बी डी शर्मा को वोट मिले के मोदी के नाम पे वोट मिले? नाम पे वोट है। अच्छा मोदी के नाम पे वोट, बिल्कुल मोदी तो देख रहा भैया साहब, और मोदी के नाम से आपका क्या लग रहा भैया की इस बार जय जयकार होने? अब जय जयकार हुई मोदी की होने, अब क्या होने मोदी की चुका बता दो। मोदी विकास कर रहा हो और राशन फ्री दे रहा हो, लाडली बहना के पैसे दे रहा हो, पहले से उन्हें विकास करो है और अधिकतर ज्यादा महिलाओं से जीतो है और महिलाएं ने सबसे ज्यादा वोट देने। आओ राहुल गांधी कह रहा है कि मैं भारत जोड़ न्याय यात्रा निकाल के मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ पूरे देश में, तो मोहब्बत की दुकान खोलेगी इस बार के नहीं खोलेगी लोकसभा चुनाव में? नहीं तो राहुल गांधी खोलेगा तो उनको भी मिलेगा, अब जैसे अब वो देंगे, जैसे नरेंद्र मोदी ने चलाई थी लाडली बहना योजना, तो वो करेंगे जनता के लिए, तो वो भी देखी जनता भी देखेगी कि हाँ भाई इनको देना है क्या करना है। विश्वास करो ना, तो कह रहा हम 1 लाख रुपया दे भी नारी न्याय योजना के तहत एक परिवार की एक महिला को। नहीं तो जब योजना चलाएंगे, जब देंगे, जब कहीं कुछ होगा जनता को, तो जब सरकार सरकार में आए तब तो योजना बना है, योजना बना है तब लिजामा पहना है, जब सरकार में ना तो कहा बोलो सरकार बनेगी, अब थोड़ा टाइम लगेगा,
सरकार बनेगी लेकिन बनाने नहीं है भैया चाचा काला को इधर को माहौल चुनाव को भाजपा है भाजपा खाया अरे काम करे मोदी जी ने अच्छे मोदी ने कहाँ काम कर रहे अच्छे अरे अब कोटी है लालजी बनाज पाई है एमपी में बहुत अच्छे काम करे है कांग्रेस कह रही हमने 60 साल में बहुत विकास किया था देश का मोदी ने 10 साल में चौपट कर दिया देश को जाकर 10 साल में जो 70 साल को काम हो तो वो मोदी जी ने 5 साल में करके दिखा लो अच्छा हाँ वे कह रहे हैं कांग्रेस वाले कह रहे हैं इंडी गठबंधन कह रहा है कि राम मंदिर को उद्घाटन चुनाव के टाइम पे करके वोट बैंक हथियार बचा रही बीजेपी इसे प्रोग्राम करोगे जो का सहमत है आप जो कछु नहीं है राम मोदी जी को वोट मिले बहुत अच्छे काम करे उनका काम को कर नहीं सके राहुल गांधी ना करेगा वे तो कह रहे हैं युवा है मोदी तो बुढ़ापे होगा उनको वे तो 3 बेर रूप ले ले ऐसे तो न कर पे दिने हाँ भैया 3 बार रूप ले तो अभी काम न कर पे और भी लोग जा रहे हैं भैया का के हो चुनाव का माहौल का ही बार को अरे अब की बात मोदी सरकार भैया का अब की बात मोदी अब की बात राहुल गांधी सरकार का नहीं कह रहे अरे राहुल बाबू पप्पू है भैया देखो ये युवाओं की सोच है चाचा कहा कहेंगे चुनावी माहौल का लग रहा है इस बार का एक तरफा है और क्या है की को माहौल एक तरफा है भैया बीडी शर्मा कैसे है तो का बीडी शर्मा से क्या काम कर रहे हैं जो दोबारा आ जाए वापसी अब काम तो गिना तो बहुत समय लगे बताए हमें पर्यटन के दृष्टिकोण से खजुराहो का जो रेलवे स्टेशन में रेलवे की वृद्धि चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो चाहे अन्य शहरों के लिए जोड़ने वाली ट्रेनें हो एयर कनेक्टिविटी खजुराहो को आइकॉनिक सिटी बनाने में उनका योगदान और खजुराहो का जो रेलवे स्टेशन है 290 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन रहा है वहीं अगर आप प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो गांव-गांव सड़क से जुड़ गया है कई ऐसी लंबे सड़कें थी कई वर्षों से नहीं बन पाई थी सड़कें उन सड़कों को बनाया गया इतना ही नहीं खजुराहो के पर्यटन को बढ़ाने के लिए चाहे वो आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो चाहे केंद्रीय विद्यालय की बात हो चाहे आप अन्य ऐसी बातें कर लें जो टूरिज्म के दृष्टिकोण से हम अपने खजुराहो का जो G20 हुआ खजुराहो में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली उसके अलावा आप खजुराहो के बाईपास में जाकर देख लें खजुराहो से बमीठा सड़क मार्ग देख लें हाईवे देख लें तो लगेगा कि हम कहीं बड़े महानगर की ओर जा रहे हों ऐसा प्रतीत होता है जब अच्छा में तो खड्डे के दिल बहला है अपने और का सीधी सी बात है मोदी सरकार 400 पार मैडम क्या लग रहा है सर के चुनाव में कैसा माहौल है माहौल बहुत बढ़िया है भैया तो किस पार्टी का माहौल बनता नजर आ रहा है बीजेपी पार्टी 400 पार इन्होंने पहले ही सेट कर रखा है इसका मतलब हाँ तो आप आधी आबादी को बिलोंग करती है महिलाएं हैं तो क्या लगता है आपको आपका बहुमत जानना भी हम जरूरी है आएगा कांग्रेस का भी आएगा कांग्रेस का आएगा तो अच्छा मैंने बताया कांग्रेस की ऐसी क्या योजना है जिनकी वजह से आप दम भर रहे हैं कि कांग्रेस का भी इस बार मेरा नाम सरोज शर्मा है मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में अच्छा माहौल है अच्छा माहौल है लेकिन अभी हाल ही में 3 महीने पर विधानसभा चुनाव उसमें तो टांटा फिस्ट हो गई कांग्रेस वहाँ पर मैडम वो मोदी का है सारा कुछ खेल मतलब मोदी खेल है मतलब क्या मशीन खराबी थी मैडम वो जो भी है आपको पता ना वो सच्चाई बोलते हैं तो उनको जेल में भेज देते हैं सब ईडी का इनका सारा इनकम टैक्स ईडी चला रखी है सब डर के मारे बेचारे अपने अपने बिल में घुस रहे हैं जब उसके तो वॉशिंग मशीन ऐसी लग रही है कांग्रेस के जा रहे हैं और उसमें साफ हो जाते हैं क्यों जाते हैं जब वो आदमी गंदा है कांग्रेस छोड़ के जा रहा है तो कल को बीजेपी छोड़ेगा वो तो क्यों ले रहे हैं बताओ मतलब अहमद विश्व शर्मा की तरफ इशारा करेंगे अजित पवार की तरफ इशारा करेंगे जहां जहां जांच बैठती बुझाते हैं धुल के साफ हो जाते हैं इस बार को का लग रहा लोकसभा चुनाव को शंखनाद मोदी जी का मोदी जी आखिरकार मोदी जी ने देश को भी बढ़ाया है और हिंदू तत्व का वो मेन चेहरा है इसलिए हम लोग हिंदू तत्व के नाम से वोट देते हैं मोदी जी अबे तो मैडम कह रही थी ठेका ले रखा क्या मोदी जी ने नहीं अरे हम पूजा करते हैं मोदी जी की वो ठेके की बात बोल रहे हैं हम मोदी जी है तो अपना ही भारत सर पूरा है सब कुछ मेन है मोदी जी विपक्ष कह रहा है इंडी गठबंधन कह रहा है कि चुनाव के समय पे जेल में डाल रहा है लुटेरे हैं सब लुटेरे हैं अच्छा मेन है मोदी जी तो तीसरी बार आ रहे हैं मोदी जी चौथी बार भी आएंगे अभी लहर क्या लग रही है आपको देश की लहर क्या लग रही है आपको नहीं मोदी जी सही कर रहे हैं मोदी वही तो देश का ये तो देश का चुनाव है ना तो किसी राज्य का चुनाव है आखिर किन बातों से सर लग रहा है कि मोदी जी आएंगे भाई हर आदमी महसूस कर रहा है कि भाई क्या प्रोग्रेस हो रही है इंडिया की चलिए तो जनता हो रही है महसूस कर रहे भैया क्या लग रहा है सर का माहौल अरे ये माहौल तो बहुत अच्छा ही बना सुंदर बना इस बार मोदी जी आएंगे जरूर आएंगे 100% आएंगे इतना अच्छा कार्य किया कि आज तक किसी भी शासन ने नहीं किया है अगर भैया ऐसे कौन कौन से काम मोदी जी ने कर दिया थोड़ा गिनवा दो ऐसा कौन कार्य है जो किया नहीं है आप बिजली का लीजिए रोड का लीजिए कौन नहीं किया आप बताइए तो बिजली का 10 साल के पहले ना आती घर में बिजली का गांव में
कटती ही रहती थी। चलिए और जैसे अपन रोड मान लो, अरे जैसे अपन जाते थे तो धचका मिलते थे, कोई महंगी गाड़ी नहीं लेता था। अब तुम चाहे दिल्ली तक ऐसे चले जाओ, सोच चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। इतने वीआईपी इतने गुणगान गा रहे विपक्ष, कह रहा कि मोदी ने 10 साल में देश को लूट लिया, खसोट दिया। अरे यार पहले बाहर जाके तो देखो तुम, अब तुमको गाँव में रहना है, बाहर देखना नहीं है तो तुम्हें वो पता तो चलेगा। आप युवा है भाई, राहुल गांधी बोलते कि मैं युवा हूँ, 24 साल की युवा है, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए वो देश में भारत जोड़ने यात्रा कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान नहीं खोलने देंगे क्या? मोहब्बत से ऐतराज है क्या आपको? मोहब्बत वाली बात नहीं, वो मोहब्बत नहीं करते का, वो आप लोगों को खाते हैं क्या? ये बताओ कि आप लोगों से पैसा कुछ लेते हैं? फ्री में कार कर रहे, इतना अच्छा कार कर रहे, गैस सिलेंडर बांट रहे, क्या क्या नहीं कर रहे आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए घर दे रहे रहने के लिए, क्या क्या नहीं कर रहे आप बताओ, क्या नहीं कर रहे मोदी जी? क्या लग रहा भैया की माहौल लग रही बार? अभी तो भाजपा का माहौल है, मोदी भाजपा का माहौल क्यों, मोदी का माहौल क्यों? मोदी ने काम अच्छा करे देश में, 370 हटाई कांग्रेस करी, हमने माहौल अच्छा काम, हमने काम अच्छी क्यों कांग्रेस करी है? देख लिया जनता सब जानती है, जनता ने कांग्रेस आज कभी भी नहीं आई है। कांग्रेस तो वैसे भी 230 सीटों पर लड़ रही, सरकार कहाँ बनाएगी कांग्रेस? नहीं बनाएगी, गठबंधन तो करके बैठी है। तो गठबंधन तो जैसे चुनाव होगा सब अपने अपने रास्ते जाएंगे, कौन सरकार? तो वो तो बोलते ना कि लोकसभा के लिए गठबंधन होता, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं होता हमारा, मोदी जी को हराने के लिए गठबंधन होता है। खाली मोदी जी को हराना, भाजपा को हराना, लेकिन मोदी ने काम कराए, विकास कराए देश में और अच्छा काम करा। राहुल गांधी का सपना पूरा नहीं होने देंगे प्रधानमंत्री बनने का? नहीं कभी भी नहीं होगा उनका, नहीं क्या कर दीजिए ना, युवा है, युवा 54 साल का आदमी को युवा होता है क्या? वो तो बोलते हैं हम युवा हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, दिमागदार है सबसे ज्यादा। नहीं उनका सपना कभी पूरी, इस बार तो पूरा नहीं होगा, इस बार पूरा नहीं होगा, अगली बार कोशिश कर लेंगे। भाई तो जो विचार है यहाँ के लोगों, भैया अच्छे लोग खड़े से जाने की कोशिश कर भी, कहा लग रहा भैया माहौल? एक तरफा माहौल है भैया, एक तरफा माहौल है। आखिर की को माहौल एक तरफा है? भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय कांग्रेस नहीं दिखा रही है पंखा, कांग्रेस किसी को नहीं दिख रही भैया, तो का खुद को दिखा, आखिर का नहीं दिख रही, वही तो हम पूछो चाहते हैं। आपके अंतर मन से बता दो, आप खुद हम बतावे नहीं, हम तो पूछो यार दादा, आप इतने लोगों से संपर्क में आ रहे हो, इतने लोगों से बातचीत कर रहे हो, आपको सभी एक ही बात बोल रहे हैं कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है, कांग्रेस यही कहाँ? राहुल गांधी जो देश विदेश में घूम घूम के भारत जो न्याय यात्रा कर रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए भैया बेहतर है राहुल गांधी जी विदेश यात्रा करें। वो तो बोलते अब जिम्मेदारी संभालने का वक्त आ गया है, मैं अब उनके उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि मैं कांग्रेस को खत्म करके जाऊंगा। वो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी कर दी। भैया बड़ा सवाल, बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को खत्म करके जाऊंगा, और भी लोग मौजूद जाने की कोशिश कर भी, भाई बोले कोई? चलो कोई ना बोले, तो भैया ई मोहल्ला को रोक, अल्लाह को दूसरे मोहल्ला को रोक कर जनता की राह जान रहे, तो चलो भैया आप और हमारे संगे। मैडम क्या लगता है सर का चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो मोदी जी है, जो राम मंदिर प्रतिष्ठा हो गए, जो 500 साल में कांग्रेस की गठबंधन नहीं कर पाई, वो लोग तो वैसे भी राम प्रतिष्ठा होने पर उनको आपत्ति है, तो उनको देश कैसे चुनेगी? देश तो मोदी जी को चुनेगी। वो बोलते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव के टाइम पे करके आपने वोट बैंक की राजनीति की, ऐसा विपक्ष कह रहा है, सत्ताधारी पार्टी पे बीजेपी पे आरोप लगा रहे, कितने आरोप सही है ये? वो तो शर्म की बात है, जब 60-70 साल उनकी सरकार थी तो लोग खाने के लिए तरस रहे थे, आर्मी वाले हम लोग की सर काट के पाकिस्तान वाले ले गए, तब तो वो चुप थे, राम मंदिर पर इतना शोर शराबा क्यों? लेकिन अगर हम तो हमारे है, मोदी जी चाहते तो 2014 में भी कर सकते थे, लेकिन उनके एक हिसाब से हो रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया उसके बाद हो रहा है, तो चुनाव को लेके तो कुछ वोट बैंकिंग नहीं है, राम मंदिर को लेके कोई वोट बैंकिंग नहीं है। लेकिन मैडम जैसे कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, कांग्रेस मतलब ना कांग्रेस देखा गया, ना बीजेपी देखा गया, ना अन्य दल देखे गए, सबको निमंत्रण भेजे गए राम न्यास समिति के माध्यम से, लेकिन विपक्षी लोगों ने जो निमंत्रण ठुकरा दिए, इसको कैसे देखती हैं आप? उनकी अपनी मर्जी है, राम तो अपने है, राम तो सभी के है, वो लोग अगर समझेंगे कि राम सिर्फ बीजेपी के तो मत जाओ, राम उनको नहीं बुलाए है, हम ऐसे सोचेंगे कि भगवान ने उनको नहीं बुलाए। चाचा क्या लगता है दादा, आप खजुराहो से हैं, किसका माहौल लग रही बार की को माहौल लग रहा है? हम नहीं पड़े रही चक्कर में, वोट नहीं डाला का? वोट तो डाल रही, वोट किसको डालते हो? वोट तो डालते हैं मोदी की सरकार, मोदी की सरकार तो बोलने का दिक्कत है मोदी की सरकार। तो और भी लोग मुझे सजाने की कोशिश करेंगे, भैया क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार का? चुनावी माहौल भैया बढ़िया है, भगवामय है, देख रहे हैं आप चारों तरफ, बिल्कुल भगवामय, आप कह रहे हैं खजुराहो के लोग तो बोल रहे हैं कोई भगवामय नहीं है सब, देखिए देखिए आप सब दिख रहा है आपको, देखिए भगवामय दिख रहा है पूरा खजुराहो,
और बताइए बाकी मोदी जी आ रहे हैं 400 प्लस आ रहे हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो थी इंडी गठबंधन की मीरा अदीप नारायण यादव, उनका नामांकन निरस्त हो गया है। वो आरोप लगा रहे कि अधिकारियों की 60-80 से वो निरस्त करवाया गया। आरोप ने उनका जो फार्म है निरस्त कराया नहीं, उन्होंने खुद कर लिया है फार्म निरस्त, क्योंकि उन्होंने जो माहौल देखा ना यहाँ पे आगे, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 10 से 12 लाख वोटों से जीतने जा रही है। पहले तो कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग चुकी है यहाँ पे, उनने अपना जाके टपा दिया सपा को, सपा ने भी माहौल देखा, बेचारा वो प्रत्याशी क्या करेगा, तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। उसने एक बार बड़ी एक षड्यंत्र रच के कि अपना कुछ नामांकन अपना कुछ भी गड़बड़ करके मैदान छोड़कर भाग लो, इसी में भलाई है, तो वो भी भाग लिया यहाँ से। राजा भैया प्रजापति कह रहे हैं जो खड़े हैं निर्दलीय टाइप के यहाँ से, वो कह रहे हैं हम जीत रहे, बीटी शर्मा हार रहे हैं। भैया दहाई के अंग में पहुंचेंगे खजुराहो से, बस इतना ही होगा उनका और कुछ नहीं होगा। आईएसएस राजनीति में भी तो होना चाहिए नॉलेज। मोदी लहर चल रही है, पूरा भारत मोदीमय है, भगवामय है, और सीधा ये है कि जो राम को लाएंगे, लाए हैं हम उनको लाएंगे। और विकास भी देखिए, आप चारों तरफ विकास दिख रहा है, बीडी भाई साहब का भी विकास इस क्षेत्र में दिख रहा है। आज जो प्रजापति जी की बात कर रहे हैं, उन्हें जानता कौन है भाई, हम तो यहाँ के लोकल के लोग हैं ना, आप फोटो लेके आएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये प्रजापति जी कौन है, ये है ना बीडी भाई साहब परमानेंट 5 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब उनको इंडी गठबंधन ने समर्थन दे दिया है, उनके प्रत्याशी निरस्त हो गए नामांकन, अब समर्थन दे रहे हैं, तो क्या फाइट होगी बीडी शर्मा से और प्रजापति की? ये बताइए जो मेन पार्टी भाग रही है मैदान छोड़ के, तो समर्थन देने वाले का क्या होगा, आप ये बताइए ना। कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई है, इंडी गठबंधन बलि का बकरा बना रही है प्रजापति जी को। बिल्कुल प्रजापति जी को बिल्कुल बलि का बकरा बन रहे हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस विकास कार्य होगा भैया? विकास कार्य देखिए आपको गिनाऊंगा, तो सबसे पहले तो अब बमीठा से खजुराहो हाईवे जो 11 किलोमीटर का है, जो बीडी भाई साहब की देन है, सांसद जी की देन है, बहुत सक्रिय यहाँ के सांसद हैं। पहले रोड ना दोगे? ओके, पहले रोड है तो आप भी पूछो कौन जनता से कैसे रोड है, तो जनता का कितनी परेशानी सामना करने पड़ा। नंबर दो, खजुराहो में फ्लाइंग अकेडमी खुल चुकी है, मतलब खजुराहो में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खजुराहो में तैयार हो चुका है। वंदे भारत जैसी जो बड़ी ट्रेन है बीडी भाई साहब की देन है, खजुराहो में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक उनकी बहुत अच्छी पहल है। और खजुराहो जो रेल वंदे भारत की बात कर रहे हैं, टीकमगढ़ के सांसद जो है विनोद कुमार खट्टी भी कह रहे हैं हमने लेटर लिखो, हमने पत्र लिखो है, वो तो डेस्टिनेशन से खजुराहो हुआ, तो अब कीने रही जो कैसे तय हुई है भैया? ये तो देखिए ऐसा है कि हमें खजुराहो को मिली है तो हम तो ये मानेंगे हमारे सांसद जी ने मेहनत की है, उन्होंने दी है हमें भाई। देखिए फिर तो इसका जो भी रहेगा लाभ सब लोग लेने की कोशिश करेंगे, मिला के दही तो बीजेपी ने कुल मिला के सौ ने दिया है। बिल्कुल, और भी लोग मौजूद से जाने चाहता क्या लग रहा माहौल चुनाव की बात? ठीक, वहाँ माहौल बढ़िया है, माहौल बढ़िया है, क्योंकि कांग्रेस को माहौल बढ़िया है कि बीजेपी को माहौल बढ़िया है इंडी गठबंधन को? हाँ, इंडिया में सब जो है मोदी मय है हर जगह, चाहे खजुराहो हो, चाहे प्रयागराज हो, लखनऊ हो, कहीं भी हो। आपको दिखता है कांग्रेस और जो विपक्षी दल उनको तो नहीं दिखता, बोलते वो तो कांग्रेस की लहर है, इंडी गठबंधन की लहर है, आपको कहाँ से दिख रही मोदी की लहर? हमको मोदी के विकास दिख रहा है, लहर तो विकास दिख रहा है। ये विपक्ष को क्यों नहीं दिखता विकास? विपक्ष को क्यों नहीं दिखता विकास? अपना दृष्टि है, समझने का दृष्टि है, अपने अपने समझने की बात है, लेकिन मोदी ने बहुत काम किया। कुछ कह रहे हैं, कहता था क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बीडी भाई साहब इस बार 10 लाख वोटों से जीतने वाले। आपके पास 10 लाख वोट है जो दावा कर रहे हैं? हमारे पास नहीं, पर ऐसा हमें लग रहा है। हाँ। जनता के वातावरण से कुछ उल्लास भरा हुआ वातावरण है, कोई यहाँ कोई नहीं है टक्कर में। हाँ। क्यों पड़े हो चक्कर में? राहुल गांधी के बारे में क्या क्या होता था? तुम वो बेफालतू में उसने खत्म कर दिया कांग्रेस, यही वो नहीं होता तो कुछ टिकती कांग्रेस, पर उसने खत्म कर दिया, इसलिए राहुल गांधी से मोह भंग हो गया और साथ साथ में कांग्रेस से आदमी का। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे एक परिवार की एक महिला को, अगर हम आ गए तो। वो सब कुछ नहीं दे पाएगा। तो भैया खजुराहो में हम मौजूद है, खजुराहो में बहुत ही धुआंधार प्रचार चल रहा है बीडी शर्मा को, लेकिन जो प्रचार जमीनी हकीकत में कितनों कारगर साबित हुई ये बात बताया कि जनता सुखड़ी से हम बात करें भैया, कहा लग रहा प्रचार जो बीडी शर्मा को खूब धुआंधार हो रहा हो, का जो प्रचार कारगर साबित हुई है? एक तरफा बीडी शर्मा का प्रचार है, यहाँ का है प्रचार है, प्रचार देखो विज्ञापन विश्वास ना करो चाहिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कहा लगा रहा हो कि विश्वास हुई है? एक तरफा है, एक तरफा है। और जिसे इतने तो कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं है, ना इंडी गठबंधन को आया, तो इसे जी पक्की मान रहा है का? और मान लो प्रत्याशी हो तो कांग्रेस को और या इंडी गठबंधन तो भी एक तरफा होता बीडी भाई साहब का, तो भी थे अभी तो कह रहे हैं दीप नारायण यादव के हम निरस्त करवा दो जानबूझ के, उनने खुद अपनी दस्तखत नहीं किए। तो बोला अधिकारी 4 साल बाद चेक करा, एक बार बता तो दे तू हमें जमा कर दो पहले, जो उन्हीं की खुद की गलती है। अच्छा, हार को ठीकरा दस्तखत में बदल लो मतलब? हाँ ये सही है भाई। अच्छा आपको कला करो कहा माहौल?
माहौल एक तरफा भाजपा का है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बी डी शर्मा जी का एक तरफा प्रचार है और एक तरफा उनकी जीत है। ऐसी रिकाटो बुंदेलखंड में अपने जो बुंदेलखंड है ना जो भैया इतने पे ऐसी विशाल जीत होनी भाई जैसी होने इस साल। मोदी जी कह रहे हैं 370 पार जे भी और एनडीए 400 पार जे है, कितनी सच्चाई है बयान में? 100% सच्चाई का आई भैया, 375 होने कहा हुई बार बिल्कुल भाजपा की सरकार बनने का आई, 370 सीटें भाजपा की आने का आई। राहुल गांधी के बारे में क्या नहीं कुछ सोचा था? राहुल तो विधायक कर लो अम्मा, सब चीजें हम ही से ना पूछ लो यार, राहुल गांधी की बात नहीं बस। अच्छा राहुल गांधी को नाम तो कहा जी हन में आऊ आपके? अरे अम्मा अब सभापत हो कहा खोलने अम्मा, ठीक है भाई अच्छे हैं। अरे अब किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, बाकी हमारे भाजपा की ये नीति रहती है अपन किसी के बारे में क्यों गलत बोले। पीएम ने मन में राहुल गांधी के सपना धुरे रहे उनको? अबे हमें तो जगत आखन से नहीं दिखा रही, बाकी भगवान जाने मतंगेश्वर सब कजू कर सकत भैया। आपको क्या लग रहा माहौल? बीजेपी ने काम किया है, बी डी शर्मा ने देखिए काम किया है, चाहे पाटन का क्षेत्र कोई भी क्षेत्र हो, बी डी शर्मा जी ने बहुत ही काम किया है। बी डी शर्मा जी काम किया है, इसके पहले तमाम सांसद नागेंद्र सिंह यहाँ सांसद रहे हैं, सत्यव्रत चतुर्वेदी सांसद रहे हैं, विद्यावती रही है, तो क्या उन लोगों ने काम नहीं करे कहते? ये लोग बने हैं लेकिन ये मतलब जीत के गए दोबारा लौट वापस नहीं आए कि पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है क्या कुछ है। मतलब बी डी शर्मा जी ने घर बना लगाए थे खजुराहो में, घर नहीं बनाए लेकिन उन्होंने फील्ड में काम किया है, बार बार विजिट की है कि किसको क्या प्रॉब्लम है क्या है, ये मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। सपोर्ट करो भैया, क्या लग रहा व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखा तो क्या लगा था? भैया ऐतिहासिक जीत होने वाली है, आज तक पूरे देश में ऐसी जीत कभी ना हुई हुई है जैसी ये बार होने वाली है। माननीय बी डी शर्मा जी ने बहुत मेहनत की है, इस क्षेत्र में बहुत विकास किया है, और वैसे भी आप सबका जानकारी है ही है कि मोदी राज चल रहा है, मोदी जी हैं तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी है तो बी डी शर्मा भी है। कांग्रेस कह रही जीएसटी लगा के व्यापारियों की कमर से दम से तोड़ दी बीजेपी ने। भैया कमर तो तोड़ी है लेकिन देश को विकास नहीं हो रहा, अगर देश को विकास कैसे हुई है? अगर कमर एक ने एक की तो तोड़ी है, जब तो दूसरे को विकास हुई है, तो विकास कैसे दिखा है आप बताओ हमें, है ना? राहुल गांधी कह रहे हैं 10 साल में मोदी ने लूट लो देश का, कबाड़ कर दो, बंटा थार कर दो देश को। नहीं नहीं दूसरा संकेत जो भी लगो, क्योंकि देश को विकास भाव है भैया, अगर विकास ना हुई है, अगर आदमी की कमर ना तोड़ी है तो विकास ना हुई है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचो? वे पीएम बनने की सोच रहे, युवा प्रत्याशी युवा नेता, लंबो चौड़ा बैकग्राउंड फैमिली को, चार चार तीन तीन प्रधानमंत्री, उनके दादा दादी पापा का क्या हो? भैया ईश्वरी की कृपा हो जाए तो ये संभव है, जो बाकी जब कहा जब तक मोदी जी चल रहे हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तब तक तो नहीं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री बन पाए, अब ईश्वरी कृपा हो जाए तो हम कछु नहीं कर सकते। ईश्वरी कृपा हो जाए बड़ी बात कर रहा हूँ। युवा चाचा मौजूद है, चाचा काला का व्यापारी वर्ग से दुकान से निकल रहे हैं, कहा लग रहा हो व्यापारी कमर बीजेपी तोड़ी है कि कमर का प्लास्टर चढ़ाओ? नहीं नहीं भाई, व्यापारी लोगों का सहयोग है पार्टी के लिए, चूंकि वो देख रहे हैं कि भाई नेता अच्छा है और देश के विकास के लिए काफी कुछ किया है, तो इसलिए इस पार्टी को दोबारा आना चाहिए, इसलिए सब लोग प्रयासरत हैं उसके लिए। बी डी शर्मा आ रहा है मतलब? भाई मुझे तो लगता है आना चाहिए उन्हें, हम उनके पक्षधर हैं, वैसे हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, हम तो सामान्य जनता हैं, लेकिन हमने उनका जो कार्यकाल देखा है। मान लो चाचा जैसे कांग्रेस साथी एनडी गठबंधन कोई भी प्रत्याशी आते, मीरा दीप नारायण यादव आते, कोई भी एक्सपायर आउट हो, तो कहा लगा फाइट होती? फाइट होती से मतलब? मतलब बराबर रहती, कांटे की टक्कर रहती के बीच? बी डी शर्मा काफी प्रभावशाली नेता है, उनका प्रभाव इस एरिया में काफी अच्छा है, तो हमें लगता है उनको कोई टक्कर दे पाता उन्हें। अच्छा जी बताओ खजुराहो की प्रमुख समस्या क्या है जो तक भाव चाहिए लो जो अभी तक नहीं भाई? खजुराहो में थोड़ा एजुकेशन के लिए और काम होना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म तो आवश्यक है ही, और जो हमारी जनरेशन है उसके लिए शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जब तक शिक्षा नहीं होगी आगे जनरेशन बढ़ नहीं सकती, उसके लिए और प्रयास होना चाहिए। शिक्षा के लिए प्रयास होना चाहिए वो आपका कहना है, शिक्षा में कमजोर है, प्रदेश अध्यक्ष भी है से सांसद होने के अलावा पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी भी है, तो कब अपने खजुराहो का विशेष तौर पर ध्यान नहीं दे पा रहा शिक्षा के क्षेत्र में? तो दे रहे शिक्षा के क्षेत्र में। अब भाई शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या हुआ हमें कोई ज्यादा जानकारी, देखो हम भाई कोई नेता नहीं, हम तो यहाँ के सामान्य पब्लिक है। तो भैया यारो जाति खजुराहो की जनता की राय सुमारी, तो भैया कछु लोगों ने कही कांग्रेस की सरकार बने महागठबंधन का आवा है, और कछु कह रहा भैया मोदी को डंका तीसरी बार बजने हैं, लेकिन जो हम नहीं कह रहे जो 4 जून का पता पड़े जब नतीजे आए कि डंका मोदी को तीसरी बार बज रहा हो कि नहीं बज रहा हो कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को पीएम बन रहा हो, कैसे ममता बनर्जी वगैरह टांग रहा है ना, तब देखो का कैसे हो रहा है। फिलहाल करें बस इतने ही हमारी खास प्रोग्राम का कह रही जनता में, अगले कौन शहर में फिर से कौन सीट को हाल जान भी, तब तक के लिए हमें दो इजाजत, नमस्कार।